आइसोप्रोमाइट जिला अस्पताल में विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोई न कोई मामला सामने आ ही रहा है। फिर से एक बार एक महिला स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर गलत इंजेक्शन लगाने से मौत का मामला सामने आया है। भिलाई खुर्द निवासी 17 वर्षीय युवक की चिकित्सालय में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि नर्स द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हुई है। भिलाई खुर्द में रहने वाले 17 वर्षीय युवक अशोक पटेल जब दशहरा देखने गया था तो उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई और उसके भाई ने उसे जिला चिकित्सालय पहुँचाया और उसे 17 नंबर बेड पर भर्ती कराया। परिजनों के अनुसार बेड नंबर 16 में एक मलेरिया का मरीज था। मलेरिया के इंजेक्शन को अशोक को लगा दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक अशोक के माँ बाप की पहले से ही मौत हो चुकी है। भाइयों ने उसे सहारा दिया था। परिजनों के मुताबिक वह स्वस्थ हो चुका था और उसे घर ले जाने की तैयारी हो रही थी। इसी दौरान इंजेक्शन लगते ही उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों का कहना है कि वह जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। यहाँ पीएम होने से रिपोर्ट बदलने का अंदेशा है। पीड़ित परिवार ने इसकी लिखित शिकायत की है। भिलाई खुर्द निवासी 17 वर्षीय आकाश पटेल को एक दिन पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां परिजनों का आरोप है कि उसे गलत इंजेक्शन लगा देने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से लिखित की है। कोरबा से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज यादव।